नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। कोरोना यानी कोविड-19 से जूझ रही दुनिया के लिए भारत से आज दो अच्छी खबरें आई है। DCGI द्वारा आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड नामक दो वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है। जाहिर है, इन वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत कोविड से लड़ने में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। इस वैक्सीन के आने के बाद भारत और भारत के साथ ही झाबुआ के लोगों की क्या राय है, आइए हम जानते हैं। इस समय मैं राजवाड़ा चौक पर हूँ, मेरे साथ व्यवसायी लालाजी शाह हैं, इनसे हम जानेंगे। आज कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की, इस वैक्सीन को लेकर आपकी क्या राय है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इस वैक्सीन के आने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2020 पूरा कोरोना और परेशानी में निकला है, अतः 2021 में आते से ही अगर कोरोना वैक्सीन आ गया है तो ये देश के लिए बड़ा गौरव की बात है और जनता के लिए भी बहुत बढ़िया है कि वो सब स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे। आज कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी बढ़िया हुआ ना, ये तो सबको लगना चाहिए और जितने बने इतने जल्दी इसको हराना है कोरोना को। शासन द्वारा अभी TV पर बताया जा रहा है कि ये जल्द से जल्द 2-3 हफ्ते में लगने वाली है और हम भी देखना चाहते हैं कि इसका असर कैसा है और हम भी लगवाना चाहते हैं, क्योंकि दवाई है तो जीवन है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हम भी खुश हैं अभी कि मतलब दो वैक्सीन हमारी सरकार को मंजूरी मिली है, इसलिए आम जनता को भी खुश होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद आज से ट्रायल शुरू हुए, आज से कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हुई है। सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को लगेगी, उसके बाद बुजुर्गों को लगेगी। आपको क्या लगता है कब तक सामान्य लोगों को ये वैक्सीन लगना शुरू होगी और क्या माहौल रहेगा? जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लगना जरूरी है, क्योंकि यह एक महामारी बहुत भयंकर रूप से है और इसमें सबकी सुरक्षा है, और जितनी जल्दी हो सके उसका चरण सबसे पहले करना चाहिए सभी के लिए। बाकी सबसे पहले तो मेडिकल में लगना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने इलाज करना है सभी का। उसके बाद जो भी सरकारी दफ्तर है, जो बेचारे उन इनके कारण वैक्सीन के कारण जब दूर जाते आते हैं, हाथ लगता है, सबसे मिलते हैं, इसलिए उनको भी जरूरी है। और अपने जो जनता है, जनता को भी जल्दी से जल्दी लगना चाहिए, इसके लिए कोई वो नहीं। वैक्सीन बनी है तो लगना तो जरूरी है। एक ये था कि जैसे वैक्सीन लगती है, हाँ, तो उसका कोई साइड इफेक्ट है, इस तरीके का कोई डर आपके मन में हो? नहीं, कोई नहीं, बनी है सरकार ने, बनाई कोई गलत चीज़ तो बनाई नहीं है, और सब दूर से मंजूरी मिली है इसको, तो वो तो लगना जरूरी, कोई गलत नहीं है। तो लोग जो कहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो गलत है। आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की दो वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है, क्या राय है, कैसा, किस तरीके से सोचते हैं आप वैक्सीन को लेकर? बढ़िया है ना सरकार की, जो इससे तो और मतलब जो पब्लिक जो अभी अंदर जो घुस के बैठी है वो बाहर उभर के निकलेगी इससे, और मतलब जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर होगी, बहुत बढ़िया। वैक्सीन को लेकर कोई संशय मन में, किसी प्रकार का डर, ऐसा कुछ डर नहीं, सभी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, सब लगाएंगे, कोई डर वाली बात नहीं। थैंक यू। कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ये तो अब फायदेमंद वाली बात है बुजुर्गों के लिए। आप लगवाएंगे वैक्सीन? सब लगवाएंगे, उसमें क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से लगेगा तो लगेंगे। कोरोना वैक्सीन को आज मंजूरी मिली है, 10-15 दिनों में अब ये लगना शुरू होगी। पहले मेडिकल ऑफिसरों को, मेडिकल से प्रथम पंक्ति में जो लोग हैं उनको लगेगी, उसके बाद वृद्धों को लगेगी, इसको लेके आपकी क्या राय है? ये बड़ा हर्ष का विषय है कि कोरोना वैक्सीन का, जैसा बताया, समूचे भारत देश में लग रहा है। अब सबसे बड़ा सरकार के लिए एक टास्क रहेगा कि 130 करोड़ लोगों को कैसे सुचारू रूप से करें। हो सकता है इसमें जो देश विरोधी लोग हैं वो इसमें व्यवधान भी करें या अनगलत बातें करें, या हो सकता है कि जनसमूहों को एक भड़काने का काम करें। पर मेरा सभी से ही निवेदन है कि सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है उसका उपयोग करते हुए वैक्सीन का जरूर टीकाकरण के लिए करें। और सबसे पहले अच्छी खुशी की बात यह कि भारत आत्मनिर्भर बनकर इस वैक्सीन की तरह उभरा है। एक राजनेता का कल बयान आया है कि ये वैक्सीन भाजपा की है और ये मैं नहीं लगूंगा, ये भाजपा के लोग इस पर यकीन ही नहीं कर सकता हूँ, इस पर क्या राय है आपकी? मैंने अभी आपको कहा ना कि अनगल बात बहुत होगी इस वैक्सीन को लेकर। अब समूचे देश की जनता को ये विश्वास रखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्र सरकार पर, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग का जैसा गाइडलाइन आती है या टीकाकरण संबंधी जो होता है उसका अनुरूप इनको टीकाकरण होना चाहिए। और सबसे बड़ा टास्क है कि 130 करोड़ लोगों में अगर ये वैक्सीन लगता है उसमें कितना समय लग रहा है, कैसा हो रहा है, इसका जो अनुरूप होगा वो तय करेंगे। तो देखा आपने, हमने झाबुआ के लोगों से बात करी, जाना कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तकरीबन सभी लोग इसको लेकर उत्सुक है, संतुष्ट हैं, किसी भी प्रकार का संशय की, भ्रम की, भय की स्थिति किसी में भी नहीं है।
और सभी इस बात का बात को लेकर उत्सुक है कि कब जल्दी जल्दी ये आए और इस टीकाकरण ये हम झाबुआ की जनता ये टीकाकरण करवाएं। बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।